हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में हम लोगों को वेडनेसडे के सेशन में तकरीबन 1% का गिरावट देखने को मिला था, और अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला था। और रीजन था जो आपको हिंडेनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जहां पे कि आपको स्टॉक मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगाया गया है अडानी ग्रुप के ऊपर। और इसी वजह से हम लोगों को एक बहुत ही शार्प सेल ऑफ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिला। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे तो अडानी इंटरप्राइजेज का जो हम लोगों का था, आपको 3400 का लेवल वहां पे आ चुका है। 3400 के लेवल के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 3315 का लो लगाया था, और यहीं पे हम लोगों ने आपको जाइट किया था जो एक सपोर्ट मिल सकता है 3100 टू 3200 के रेंज में जो है स्टॉक को एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है आपको 3300 के लेवल से ही हम लोगों को एक बाउंस बैक इस स्टॉक में जरूर देखने को मिला। लेकिन अभी स्टॉक बुलिश कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे बुलिशनेस स्टॉक में नहीं दिख रहा है। ये जस्ट एक हम लोग यहाँ पे अभी भी पुल बैक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक पुल बैक के बाद वापस से स्टॉक में सेल ऑफ आ सकता है। बात अगर करेंगे, जब तक स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड के लिए नहीं होता है, जब तक स्टॉक जो है यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद और अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं देता है, 3500 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक इस स्टॉक में हम लोगों को फर्दर एक अच्छा कंफर्म अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। तब तक जितना भी आपको उछाल आएगा वो बस एक पुल बैक ही रहेगा। डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो 3100 3200 ये अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, अभी भी स्टॉक ने इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया है। तो इसी वजह से जो है स्टॉक में एक पुल बैक के बाद हम लोग वापस से सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अपसाइड में स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके 3500 के लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, तो फिर वापस से स्टॉक में हम लोगों को अपमूव देखने को मिल सकता है। अभी के लिए अगर बात करेंगे तो अभी के लिए स्टॉक के पास नीचे की साइड अभी भी स्पेस है, और स्टॉक में कोई भी कन्फर्म अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। बेटर है अभी कोई भी पोजिशन बनाने से पहले आपको वेट करना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन तक पुल बैक लेता है और उसके बाद कोई नेगेटिव साइन देता है, शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड सस्टेन कर जाता है, बाई साइड के लिए आप यहाँ पे स्टॉक में वापस से एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।